डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स इन बबल सॉर्ट। मतलब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में हमारे पास एरे के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं और ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स कितने होंगे अगर मैं इसके ऊपर बबल सॉर्ट अप्लाई करता हूँ। तो देखो, इसको निकालने का बड़ा एक सिंपल सा बड़ा एक शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। नॉर्मली होता क्या है, वर्स्ट केस में अगर हम बात करें बबल सॉर्ट अगर लगाते हैं तो वर्स्ट केस में नंबर ऑफ स्वैप्स कितने हो सकते हैं, n इनटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्स्ट केस वाला ही फंडा दे, आपको नॉर्मल फंडा भी दे सकते हैं, नॉर्मल केस भी दे सकते हैं। तो उस केस में या तो आपके पास एक लेमैन तरीका है कि आप अप्लाई करके देखो और एक एक करके काउंट करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां से स्टार्ट करें तो 8 के ऊपर अगर मेरा बबल है तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 22। तो यानी बबल मेरा यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 7। अब यहां पे क्या होगा, स्वैप। तो 8 और 7 आगे आ गया, 22 इधर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद आपका 22 और इसको कंपेयर किया तो 9 आगे आ गया, 22 इधर आ गया, ठीक है। फिर 31, 5 और 13 है। अब नेक्स्ट क्या है, 31, ये बड़ा है तो बबल आगे शिफ्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 5 इधर आ गया, 31 इधर आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, 13 आगे आ जाएगा, 31 इधर आ जाएगा। तो यानी पहला पास जब कंप्लीट होगा तो बड़ा एलिमेंट जो है, सबसे बड़ा एलिमेंट, वो अपनी सही जगह पे पहुंच गया। तो यहां पे आपको पहले पास में ही इतने कंपैरिजन है, इतने स्वैप्स है, वो काउंट करने पड़ेंगे। फिर दूसरे पास में, तीसरे पास में, तो ये काफी टाइम जो है वो ले लेगा। तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप यहां पे एलिमेंट देख लो। सबसे पहले आपके पास जो एरे दिया हुआ है वो एरे देखो, उस एरे में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आपका, सबसे पहला एलिमेंट आपका 8, ठीक है। अब राइट साइड में 8 से छोटे काउंट कर लो, राइट साइड में 8 से छोटे कितने एलिमेंट है वो काउंट कर लो। देखो राइट साइड में 8 से छोटे कितने हैं, 1, तो कितने एलिमेंट हो गए, 2 छोटे एलिमेंट। नेक्स्ट आ जाओ 22, 22 से राइट में छोटे एलिमेंट कितने हैं काउंट कर लो, ये भी छोटा है, 2, 3, 4, 4 छोटे एलिमेंट है 22 से काउंट कर लिया। 7, 7 से राइट में छोटे एलिमेंट कितने हैं काउंट कर लो, 7 से छोटे कितने हैं, एक ही एलिमेंट है, 5, ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट 9, 9 से छोटे कितने हैं राइट में, लेफ्ट का कोई लेना देना नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका है, राइट में सिर्फ चेक करना है कि कितने छोटे हैं 9 से, सिर्फ 5 छोटा है तो एक बार काउंट कर लिया। देन 31 से छोटे कितने हैं राइट में, दोनों ही छोटे हैं तो काउंट कर लिया, 2 हो गए। 5 से छोटे कितने हैं राइट में, 13 तो बड़ा ही है तो 0 हो गया, और 13 के राइट में तो कोई है नहीं, टोटल क्या हो गया, 0। इन सब का टोटल कर लो तो ये कितना हो गया, 6, 7, 8, 9, 10। लो जी, ये आपका आंसर आ गया। तो ये सिंपल सा टेक्निक है, सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्वैप पूछ ले तो फालतू में इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक लगाओ तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंटरव्यूज में, कहीं पे भी पूछ ले, आप इजीली आंसर दे सकते हो। थैंक यू।